नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और न्यूज 18 आपको दिखा रहा है एग्जिट पोल, क्योंकि अब 4 जून को नतीजे आने हैं। लेकिन उससे पहले न्यूज 18 का सर्वे क्या कहता है वो हम आपको बताएंगे। यूपी की खास तौर पर बात करें तो बीजेपी को बम्पर सीट मिलती दिख रही है। जो अनुमान जताया जा रहा है एनडीए को 2019 से ज्यादा सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। बीजेपी को यूपी में 68 से 71 सीट का अनुमान जताया जा रहा है। बात अगर इंडी गठबंधन की करें तो 9 से 12 सीट का अनुमान इंडी गठबंधन के लिए, और बात कांग्रेस पार्टी की तो सिर्फ 3 से 6 सीट का अनुमान कांग्रेस पार्टी के लिए अभी तक सामने आ रहा है। तो अपने अपने वादे और दावे हमने देखे, 80 की 80 सीटें जीतने का दावा भी भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन बम्पर जीत मिलती, बम्पर सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जो अभी तक का आंकड़ा दिखा रहा है एग्जिट पोल का। एनडीए का आप देखिए 68 से लेकर 71 सीटें मिल सकती हैं। इंडी गठबंधन की बात करें 9 से 12 सीटों के बीच इंडी गठबंधन को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटों का आंकलन हम आपको बता रहे हैं। 80 सीटों में क्या कहता है एग्जिट पोल वो न्यूज 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है। हालांकि जनता उत्साहित है कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है, लेकिन ये एक जो सर्वे किया गया उस सर्वे के मुताबिक हम आपको दिखा रहे हैं। और एग्जिट पोल को लेकर रिएक्शन भी अब सामने आना शुरू हो गए हैं। बृजेश पाठक ने बयान दिया है कि एनडीए सरकार बनने जा रही है। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का ये कहना है, जनता ने विपक्ष को नकार दिया है ये भी उनकी तरफ से कहा गया, क्योंकि अब लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है, और उत्तर प्रदेश में 80 के सीटें राजग गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजना जन जन में पहुंची है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता चुनाव में भी खुलेआम दिखी। समाजवादी पार्टी के नेता के मंच को उनके ही गुंडों ने तोड़ दिया। कई बार ये रैली नहीं कर पाए, मीटिंग नहीं कर पाए, इनको हाथ जोड़ करके वापस आना पड़ा। और कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों का समूह है, जनता ने इनको बुरी तरह से नकार दिया है। एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस के नेता क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। जयराम रमेश ने क्या कहा है वो आप सुनिए। वर्तमान प्रधानमंत्री ने पहले ही ट्वीट तैयार करके रखा होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है। और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमज़ोर करने के लिए। पर इंडिया जनबंधन को मैं कहता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ, और कल सारी पार्टियों की बैठक भी हुई और वहाँ आंकड़े पर विश्लेषण हुआ, 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। यानी कि हमें 200 मिनिमम, न्यूनतम तरीके से हमें 295 सीटें मिलेंगी। तो एग्जिट पोल के रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं। यूपी के मंत्री असीम अरुण ने क्या कहा, दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम या तो 80 पूरा कर लेंगे या 80 के बहुत ही करीब होंगे ऐसा है। और कारण ये कि जिस प्रकार मोदी जी ने गरीबों को जोड़ने का काम किया है, नए वोट कहां से आ रहे हैं, नई सीटें आ कहां से रही हैं, जो गरीब लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य हैं, उनके लिए जितना काम मोदी जी ने किया है, आज भर भर के वोट सब लोग दे रहे हैं, पूरे उत्साह के साथ दे रहे हैं। ये एक नया बहुत बड़ा वोट बेस भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, और उसके आधार पे आज हम देख रहे हैं कि इतनी सारी सीटें भी हमारी बढ़ने वाली यूपी में, और साथ साथ वोट परसेंटेज हमारा बहुत व्यापक तौर पे बढ़ रहा है। एग्जिट पोल पर बीजेपी नेता जेपीएस राठौर का रिएक्शन भी सुनिए। बड़ा एग्जिट पोल आ रहा है
और पूरी तरफ से कमल ही कमल खिलते चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपनी रणनीति बनाई थी उस रणनीति में हम पूरी तरीके से सफल हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूं विपक्ष के लिए दुष्यंत कुमार जी की वो लाइन, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं।